हे गाइस, दिस इज माय सुरजीत मिस्त्री। हमारी मैकेनिकल यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, मैंने आज एक फिर से नया वीडियो लेके आया। इस वीडियो पर हम दिखाएंगे हीरो सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल का ब्रेक शू कैसे बदलता है। दोस्तों, पहले हम जो पहिया की जो एक्सेल है दोस्तों, एक्सेल का बोर्ड को हम पहले खोल लेंगे। खोलने का बाद दोस्तों, हम जो एक्सेल है, एक्सेल को स्पिनर दे के घुमा घुमा के बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों, निकालने का बाद हम पहिया को बाहर कर लेंगे। बाहर करने का बाद हम जो ब्रेक ड्रम है, जो जिसका साथ ब्रेक शू लगा हुआ रहते हैं, उसको हम निकाल लेंगे। निकालने का बाद दोस्तों, इसका अंदर जो कैम है, कैम को खोल लेंगे। खोलने का बाद हम अच्छी तरह इसको सफाई करेंगे, मिट्टी का तेल दे के धो लेंगे। धोने का बाद हम ग्रीज वगैरह करके फिर से हम फिटिंग करेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो के साथ आप बनिए रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। स्टेप बाय स्टेप फुल नॉलेज का साथ हम ये वीडियो आपको दे रहा है। आपको अपना मोटरसाइकिल का ब्रेक शू बदलना है, किसी मैकेनिक के पास जाने का ज़रूरत नहीं है। आपके लिए हमारी एक ही वीडियो काफ़ी है। तो दोस्तों, ये जो ब्रेक ड्रम के साथ जो टना हुआ रड रहता है, उसको हम खोल दिया। उसको खोलने के लिए हमें 13 नंबर की स्पैनर की ज़रूरत है। 13 नंबर की स्पैनर से हम अच्छी तरह खोल लिया। अब हम ये पहिया को निकाल लेंगे। निकालने का बाद ही हमारे ब्रेक ड्रम बाहर आएगा। तो दोस्तों, अब ध्यान से देखिए, बाइक को थोड़ा हम टेरी कर दिया, ये पहिया को हम निकाल के बाहर कर दिया। अब हमें जो ब्रेक ड्रम है, ब्रेक ड्रम को हम खोल लेंगे। तो दोस्तों, ये ब्रेक ड्रम को हमने खोल लिया। खोलने का बाद ये देख लीजिए, ब्रेक शू बिल्कुल घिस के ख़राब हो गया। इसका अंदर बहुत ही ज़्यादा कार्बन भी आ गया। इसको हम सफाई करेंगे। कैसे सफाई करते हैं, सफाई करने के लिए क्या क्या खोलना पड़ता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ये देख लीजिए, ब्रेक शू बिल्कुल ही घिस गया, ये ब्रेक नहीं पकड़ रहा है और ज़्यादा दबाने से जाम हो जाता है। तो दोस्तों, ये पुराने वाले जो दो स्प्रिंग है, स्प्रिंग तो हमें लेना है। ये ब्रेक शू का साथ स्प्रिंग नहीं देते। ये ब्रेक शू हमारे सिर्फ ब्रेक शू ही आते हैं, जेन्युइन पार्ट्स, हीरो कंपनी का ब्रेक शू हमने ले लिया। ब्रेक शू को हम लगाएंगे। स्प्रिंग कैसे फिटिंग करता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। थोड़ा मिट्टी का तेल देके ये दोनों ब्रेक शू को हम धो लेते हैं, क्योंकि इसका अंदर ग्रीज वगैरह लग के इसका अंदर काली काली हो जाते हैं, मिट्टी भी लग जाता है। इसीलिए हम मिट्टी का तेल देकर दोनों स्प्रिंग को अच्छी तरह धो के हम साइड में कर दिया। अब जो ब्रेक शू लगाने वाला जो ड्रम है, ड्रम को भी हम अच्छी तरह धो लेते हैं। ये थोड़ा मिट्टी का तेल हमने दे दिया। देने के बाद इसको अच्छी तरह हम धो लेंगे। तो दोस्तों, जो अभी तक हमारी चैनल पर नया है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। और आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं, वो भी कमेंट में ज़रूर बताना है। दोस्तों, आपकी कोई प्रॉब्लम हो साइकिल, मोटरसाइकिल, ई रिक्शा की, हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर बता देंगे। तो दोस्तों, ये जो ड्रम है ब्रेक शू लगाने वाला, इसको हम अच्छी तरह कपड़े से सफाई कर लेते हैं। सफाई करने के बाद इसको हम ग्रीज लगाएंगे। और ये जो कैम है, कैम को हमें खोलना पड़ता है। कैम को खोलने के लिए हमें 10 नंबर की स्पैनर और 10 नंबर की टी चाहिए। ये जो स्पैनर है, स्पैनर की जो बोल्ट है दोस्तों, ये 10 नंबर वाली बोल्ट है। हम एक साइड में टी से पकड़ लेंगे और दूसरी साइड में 10 नंबर की एक स्पैनर ले लेंगे। तो ये लेफ्ट की तरह घुमाएंगे तब भी ये बोल्ट खुल जाएगा। तो दोस्तों, खुलने का बाद हम ये जो कैम है, कैम को हम निकाल लेंगे। निकाल कर अच्छी तरह मिट्टी का तेल दे के एक कैम को भी हम धो लेंगे। धो के इसमें हम ग्रीज लगाएंगे। ग्रीज लगा के फिर से हम दोबारा फिटिंग करेंगे। तो दोस्तों, देख लीजिए कैम कैसे बाहर निकालते हैं। टी का एक साइड से हमने अच्छी तरह थोड़ा थोड़ा करके हथौड़ा मार दिया, देख लीजिए निकाल गया। अब हमें जो एक लॉक रहता है, लॉक को भी हमें निकालना है। इसके अंदर एक रबड़ भी रहता है, आपको ध्यान में रखना है, रबड़ नहीं निकल जाना चाहिए, रबड़ को रहने दीजिए। तो दोस्तों, ये हम अच्छी तरह मिट्टी का तेल देके सफाई कर लेते हैं। सफाई करने के बाद ये जो मिट्टी विट्टी थोड़ा लगा हुआ है दोस्तों, इसको भी हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको हटा दिया। अब हम इसको कपड़े से अच्छी तरह सफाई कर लिया। सफाई करने के बाद दोस्तों, हम एक कैम को अच्छी तरह ग्रीज लगाएंगे। ग्रीज लगा के फिर दोबारा फिटिंग करेंगे। कैम के अंदर जो कैम जहाँ पे रहते हैं दोस्तों, वहीं पे मिट्टी घुस जाते हैं, जंग भी लग जाते हैं, पानी भी घुसते हैं। इसीलिए कपड़े घुसा के उसको अच्छी तरह सफाई कर लिया।
सफाई करने का बाद इसको हम साइड कर देंगे। साइड करने का बाद दोस्तों ये जो कैम है, कैम को हम अच्छी तरह सफाई कर लेंगे, क्योंकि इसका अंदर भी मिट्टी लग जाते हैं, जंग भी लग जाता है। अच्छे कपड़े से अच्छी तरह हम इसको सफाई कर लेंगे। ये देख लीजिए, सफाई कर लिया। अब हम थोड़ा इसमें ग्रीज लगाएंगे। तो दोस्तों कैस्ट्रॉल कंपनी का ग्रीज हम यूज करते हैं, ये बहुत ही अच्छा ग्रीज है। ये ग्रीज को हम लगा दिया, लगा के देख लीजिए अच्छी तरह। हम और भी दोबारा और एक बार ग्रीज भी इसमें लगा देते हैं, और ये इतना स्मूथली काम करेगा आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों जब भी आप ब्रेक शू बदलते हो तो दोस्तों तब भी आपको ये ऐसी ग्रीज थोड़ा लगा देना है कैम को खोल के, तो तब भी ये रबर नीचे जो रबर पीछे लगा हुआ है, रबर को उंगली से दबा के अच्छी तरह अंदर कर देना है। और ये जो कैम और दूसरा साइड जो पोल रखा हुआ है ब्रेक शू लगाने वाला, वो दोनों बराबर रहना चाहिए। बराबर रख के आपको ये जो लॉकपाती है, लॉकपाती को अच्छी तरह लगा देना है। लगाने के बाद हम एंड में एक कैम की जो लीवर है, लीवर को हम एंड में लगाएंगे। तो दोस्तों चलिए ब्रेक शू कैसे लगाते हैं, ब्रेक शू का जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग भी कैसे लगाते हैं वो भी हम दिखाएंगे। ये हीरो कंपनी का जेन्युइन पार्ट्स है दोस्तों। ये 190 रुपये में हमें मिला, हमारी ये शोरूम से हमने ले आया। ये हीरो कंपनी का जेन्युइन पार्ट्स, ये थोड़ा को हम माप लेते हैं बराबर है कि नहीं है, ये बराबर ही है। तो दोस्तों आप ये पन्नी को हम फाड़ देंगे, पन्नी को फाड़ के हम ब्रेक शू को निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसमें हम स्प्रिंग लगाएंगे। स्प्रिंग लगा के कैसे ब्रेक शू फिटिंग करते हैं आप हमारी वीडियो के साथ बनी रही है, हम बहुत ही अच्छे से धीमे से आपको दिखाएंगे। देख लीजिए हम स्प्रिंग को कैसे लगाया। स्प्रिंग का टेढ़ी वाला पार्ट नीचे की साइड में रहना चाहिए। एक एक करके दोनों स्प्रिंग को हम अच्छी तरह ब्रेक शू के साथ अटैच करके लगा दिया। अब हम इसको पहनाएंगे। तो कैसे पहनाते हैं, हम घुटने के ऊपर रख दिया ब्रेक शू को, ब्रेक ड्राम को रख के हम दोनों हाथ से पकड़ के दो साइड में खींच के देख लीजिए लगा दिया। ये आप बैठा नहीं, हम बैठेंगे स्क्रू ड्राइवर थोड़ा करके ऊपर की तरफ हटा देंगे, तो देख लीजिए ब्रेक शू बिल्कुल बैठ गया। तो अब हम ये ब्रेक ड्राम के साथ इसको फिटिंग करेंगे। तो दोस्तों पहले ब्रेक ड्राम को थोड़ा हम घिस लेंगे, उसमें भी कार्बन आ जाते हैं। तो गाइज हमारी वीडियो आपको कैसे लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना है, और हमारी वीडियो की कौन सी पार्ट आपको अच्छी लगा वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना है। ये लीवर को हम लगा दिया, कैम का जो लीवर ये देख लीजिए बहुत ही स्मूथली काम कर रहा है। तो दोस्तों चलिए अब हमें जो पहिया की ब्रेक ड्राम है उसको थोड़ा हम घिस लेते हैं। तो उसको घिसने के लिए हमने 220 नंबर की जो रेती वाला पेपर है उसको ले लिया, लेके हम आराम से थोड़ा थोड़ा करके घिस देंगे। घिसने का बाद हम कपड़े से अच्छी तरह इसको सफाई कर लेंगे। सफाई करने का बाद दोस्तों हम फिर दोबारा इसको फिटिंग करेंगे। फिटिंग करके ये बाइक कितना अच्छा ब्रेक लगेगा वो भी आपको दिखाएंगे। ये देख लीजिए आराम से हमने बैठा दिया, ये ब्रेक कैम बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। ये थोड़ी सी दबाने से आपकी ब्रेक शू अच्छे से काम करते रहेगा। तो फाइनली ब्रेक शू हमारा बदलना कंप्लीट हो गया। अब हमें पहिया को फिटिंग करेंगे। पहिया को फिटिंग करने के लिए हमें बाइक को थोड़ा टेरी करना है। टेरी करके ये ब्रेक पहिया को हम घुसाना है अंदर। पहिया को अंदर घुसाने का बाद हम एक्सेल लगाएंगे। एक्सेल लगा के एक्सेल का बोल्ट लगाएंगे। उससे पहले जो टाना पात रहते हैं ब्रेक ड्राम के साथ, जो टाना पात लगा हुआ रहते हैं उसको लगाएंगे। उसको लगाने का बाद एंड में हम जो ब्रेक का लीवर के साथ जो टाना रड रहता है उसको एंड में हमें लगाना है। लगा के बाइक का जो पहिया है, पहिया को घुमा के देख के एडजस्ट करना है। ये चेन चाबी को हमने लगा दिया। ये जो ब्रेक ड्राम और चेचिस का बीच में ये जो गोल एक लोहे का बाट रहता है उसको हम लगा दिया। अब हमें एक्सेल को अंदर डाल दिया। एक्सेल को डालने का बाद देख लीजिए जो लॉक पाती है उसको लगाया। उसको लगाने के बाद एंड में एक्सेल बोल्ट को हमें लगाना है। ये दोस्तों 19 नंबर की एक्सेल बोल्ट है। इसको आपको खोलने के लिए 19 नंबर की स्पैनर आपको ज़रूरत है। ये बोल्ट को थोड़ा सा हमने कस के रखेंगे। रखने का बाद हम ब्रेक ड्राम के साथ जो
अटैच पात रहता है उसको लगाना है। उसको लगाने का बाद ये देख लीजिए, ये ब्रेक ड्राम को जाम करके रखते हैं। ये पात आपको लगाना जरूरी है, नहीं लगाओगे आपकी बाइक जब भी आप ब्रेक दबाओगे तो बिल्कुल ये अटक जाएगा और भेद अंदर ये पूरा जाम हो जाएगा। इसीलिए बोल्ट को लगाया, बीच में एक वाशर दिया, रबड़ वाली वाशर लगाने के बाद फिर एंड में एक वाशर दिया, देखे बोल्ट को हमने लगा दिया। ये दोस्तों 12 नंबर की बोल्ट है, ये 12 नंबर की स्पैनर से हम इसको अच्छी तरह कस देंगे। इसको लूज मत छोड़ना, बिल्कुल ही अच्छी से इसको कस देना है। ये खुल जाएगा तो आपकी बाइक आप चला नहीं पाओगे, बिल्कुल पीछे वाला पहिया जाम हो जाएगा। इसलिए बोल्ट को आपको अच्छी तरह कस देना है। कसने का बाद ये जो एंड में हम कैम की जो लीवर है, लीवर को लगाता हूँ हम 10 नंबर के बोल्ट से, और 10 नंबर की बोल्ट लगा के हम इसको घुरा के थोड़ा सा कस लेते हैं। कसने का बाद एक साइड में हम 10 नंबर के स्पैनर लगाएंगे, दूसरा साइड में दोस्तों हम लगाएंगे 10 नंबर की टी। ये 10 नंबर की टी लगा दिया और एक साइड में 10 नंबर के स्पैनर से बोल्ट को हम अच्छी तरह कस देंगे। इसको भी अच्छी तरह कसना है, ढीला मत छोड़िए। तो दोस्तों फाइनली ये हीरो कंपनी का सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल का ब्रेक शू कैसे बदलते हैं हम स्टेप बाय स्टेप फुल नॉलेज के साथ बदल के आपको दिखा दिया। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ब्रेक शू बदलने के लिए, और आपको समझ में नहीं आए तो हमें कमेंट कर दीजिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर बता देंगे। तो दोस्तों ये ब्रेक कैम की जो लीवर है, लीवर की बोल्ट लगाना फाइनली कंप्लीट हो गया। अब हमें ब्रेक लीवर के साथ जो अटैच रॉड रहता है उसको हम लगा रहे हैं। ये देख लीजिए इसको कैसे लगाते हैं। एक गुटका सा रहता है, उसका बीच में होल रहता है, होल के अंदर से ये रॉड को लगाना है। लगाने का बाद जो हम एंड में बोल्ट लगाएंगे इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। सीधा करने का बाद बिल्कुल बीच में से ये देख लीजिए रॉड हमने कैसे लगा दिया। अब हम इसका बोल्ट लगाएंगे। बोल्ट आपका 14 नंबर की बोल्ट है, ये 14 नंबर की स्पैनर से ये बोल्ट को आप कस पाओगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसे लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताना है। और भी नई नई वीडियो हम लाते रहेंगे, ऑल मैकेनिकल मोटरसाइकिल साइकिल ई रिक्शा फुल नॉलेज का साथ मैकेनिकल रिपेयरिंग मॉडिफाइड का वीडियो हमारी चैनल पर आपको मिलते रहेगा एक दिन छोड़ छोड़ के। तो दोस्तों अभी तक जो हमारी चैनल पर नया है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। और आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं वो भी हमें बताना है। तो दोस्तों फाइनली ये जो एक्सेल का बोल्ट हमने अच्छी तरह इसको कस दिया, इसको ढीला बिल्कुल ही मत छोड़िए, इसको बिल्कुल अच्छी से कस देना है। तो दोस्तों ये हीरो कंपनी का सुपर स्प्लेंडर बाइक है, सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल का ब्रेक शू फाइनली हमारा बदलना कंप्लीट हो गया। अब हम मिलते हैं अगले नया वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।